हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं गुणकारी छत्तीसगढ़ी घुमी भाजी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। साफ पानी से 3-4 बार वाश कर लिया है। आधा किलो घुमी भाजी के लिए 1 कटोरी अरहर की दाल, 4 टमाटर, 1 प्याज, 5 हरी मिर्च, 2 खड़ी लाल मिर्च, 3 लहसुन की कली, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच तेल और 3 नींबू लिया है। अरहर की दाल को पहले से उबाल लिया है। घुमी भाजी को नींबू के रस के साथ पकाने के लिए 3 गिलास पानी लिया है। घुमी भाजी को खट्टे में बनाया जाता है, दही के साथ, मही के साथ, नींबू के रस के साथ, इमली के साथ, नींबू के रस और आधा चम्मच नमक को अच्छे से मिलाते हैं। घुमी भाजी को नींबू के रस के साथ पकाने के लिए डाल देते हैं। घुमी भाजी को नींबू के रस के साथ पकने के लिए ढककर 5 से 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तेल गर्म होने पर लहसुन डाल देते हैं। लहसुन के ब्राउन होने पर हरी मिर्च, लाल मिर्च को डाल देते हैं। हरी मिर्च, लाल मिर्च के तड़कने के बाद प्याज डालते हैं। प्याज के सुनहरे होने तक भूनते हैं। इसके बाद टमाटर को डाल देते हैं। टमाटर को मिक्स करते हैं। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक को डाल देते हैं। टमाटर को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करते हैं। टमाटर को गलने तक भूनते हैं। टमाटर के भूनने के बाद इसमें नींबू के रस में पके हुए घुमी भाजी को डाल देते हैं। घुमी भाजी को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करते हैं। घुमी भाजी को मिक्स करने के बाद दाल को डाल देते हैं। अरहर की दाल की जगह चने की दाल भी ले सकते हैं, दाल ऑप्शनल है। घुमी भाजी और दाल को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद नींबू के रस के खट्टे पानी को डाल देते हैं। घुमी भाजी का यह रेसिपी तैयार है। मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।